रूस यूक्रेन वॉर का 106वां दिन आज हो रहा है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस लगातार अटैक्स कर रहा है। खार्किव के एक शॉपिंग मॉल पर रूस ने तबाही करी बमबारी के जरिए। हमले के बाद खंडहर में तब्दील हुआ शॉपिंग मॉल। डोनेस्क इलाके में दोनों सेनाओं के बीच जारी है भीषण जंग। बखमुत में रूसी सेना की एयर स्ट्राइक के बाद मची तबाही। डोनेस्क पुलिस ने जारी की रूसी सेना के हमले की तस्वीर। रूस से जारी युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने जारी किया एक वीडियो संदेश। पूर्वी यूक्रेन में रूस के हमलों की जानकारी दी गई और कहा गया कि सेवेरोडोनेट्स्क में हालात बहुत खराब हैं। यूक्रेनी सेना रूस को करारा जवाब दे रही है। कहा डोनबास के भविष्य का फैसला भी इसी लड़ाई से तय हो जाएगा। माइकोलेव के गवर्नर ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा अनाज के गोदामों पर रूस लगातार कर रहा है हमला। दुनिया को डराने के लिए अनाज के गोदामों पर किए जा रहे हमले। रूस खाद्य संकट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। डोनबास में जारी इस पूरी वॉर के बीच यूक्रेनी सैनिकों का दिखा बहुत अलग अंदाज। तनाव कम करने के लिए एक स्कूल में पियानो बजाते दिखे यूक्रेनी सैनिक। देखिए दूसरे देश के सैनिकों को यूक्रेन का साथ देना पड़ सकता है महंगा। युद्ध के दौरान पकड़े गए ब्रिटेन और दूसरे देशों के सैनिकों को हो सकती है फांसी की सजा। डोनेस्क कोर्ट में होने वाला है फैसला। मारियोपोल में सरेंडर कर चुके 1000 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना भेज रही है। रूस अज़ोवस्टल प्लांट में बीते महीने भारी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों ने किया था सरेंडर। डोनबास में रूस के लड़ाकू विमान मचा रहे हैं आतंक। लड़ाकू विमानों ने डोनबास में कई जगह पर किए ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीचों बीच रूस के विदेश मंत्री का टर्की दौरा। टर्की में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेनी पत्रकार ने रूस पर लगाए यूक्रेन से चोरी के आरोप। आरोप के बाद रूसी विदेश मंत्री लावरोव व पत्रकार के बीच में काफी बहस हो गई। यूक्रेन रूस पर लगा चुका है अनाज चोरी के आरोप। यूक्रेन के हालातों पर संयुक्त राष्ट्र ने जारी की नई रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद 70 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन से किया पलायन। बॉर्डर पार कर दूसरे देशों में ले रहे हैं शरण।